न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में रेवाड़ी पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव के निर्देश और साउथ रेंज के एडीजीपी श्रीकांत यादव के मार्गदर्शन में एसपी राहुल शर्मा ने रेवाड़ी में एंटी ड्रग्स सेल का गठन किया है। एंटी ड्रग्स सेल का इंचार्ज डीएसपी हेडक्वार्टर को बनाया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिसके जरिए आम लोगों से ड्रग्स व अन्य प्रकार के नशे से संबंधित सूचना देने की अपील की गई है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति मैसेज भेजकर पुलिस को सूचित कर सकता है। सूचना सही पाए जाने पर पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पता गुप्त रखते हुए उसे जिला स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित भी किया जाएगा। इसे लेकर डीएसपी ने आज अपने कार्यालय में स्वास्थ्य अधिकारियों व मेडिकल स्टोर संचालकों की बैठक ली तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नशा हमारी युवा पीढ़ी को एक तरह से दलदल में फंसा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए लोगों को खुद आगे आकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के साथ हरियाणा पुलिस बड़े स्तर पर काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में युवा अवस्था में मौत के कारणों पर गौर किया जाए तो इसमें खासकर पुरुषों की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण नशा पाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान रेवाड़ी पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में काफी लोगों को सलाखों के पीछे डालने का काम भी किया है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। तो उसके लिए आपका सहयोग, हमारा सहयोग, सभी मिलके करेंगे तो समाज में काम हो तो सारा एक समाज है हमारा। अपने अपने काम से हटके है, अपने काम से हटके ये एक समाज कार्य है, इसके बारे में हम याद कर चुके हैं। तो इसमें आप जो भी सुझाव लेना चाहें, जो हमारा सहयोग लेना चाहें, हम आपका लेंगे, आप हमारा सहयोग लें, जो सब लें। जो बच्चा जो व्यक्ति मालूम छोड़ना चाहता है, इसे परेशान है, पकड़िए हॉस्पिटल में ही हमारे पास पॉजिटिव सेंस है, 100% रिजल्ट है, अच्छे से अच्छे नशेले मतलब जो कल से अंतर्राष्ट्रीय नशे का सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू किया है पूरे भारत में, उसमें हमारे जी का एक बार श्री मनोज यादव जी एन जी पी साहब हमारे श्री खिलाफ जा रहे श्रीकांत यादव साहब एस पी साहब सभी टीम ने हमें निर्देश किया है कि सब में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और जो लोग जैसे यात्री हो चुके हो चुके हैं उनको मोटिवेट करें ताकि वो आगे से खिलाफ ना करें। और जो इस बारे में अवैध काम कर रहे हैं, अवैध नशा बेच रहे हैं, ला रहे हैं, उनको हम गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ भी मान सकता है। क्या पुलिस द्वारा कोई अभियान भी चलाया जाएगा? जैसे अभियान हमने शुरू कर रखा है, इस समय में हमने अभियान शुरू कर रखा है। कल भी हमने हमारे दारोडा में 100 व्यक्ति ऐसे पकड़े। कोई ऐसे पॉइंट भी है सर जहाँ इस तरह का ऐसे का क्या पॉइंट है? जो खुली सुनसान जगह होती है वहाँ पे ऐसे लोग बैठ के पीते रहते हैं। कभी क्या सहयोग दिया जैसे मेडिकल स्टोर ने ये कहा भी हम ऐसी कोई जो ड्रग्स है जो इसका विशेष तौर पर इसके लिए यूज़ की जाती है वो ड्रग्स हम भी बेच रहे ना ही बेचेंगे और हमें कोई पता लगे तो उस पर कंट्रोल करेंगे, वो पूरा सहयोग करेंगे। इसी तरह डॉक्टर सी एम होते हैं, इन्होंने भी काफ़ी कल से हमारे साथ आई है और ये हर तरह से इस अभियान को